जब कर्म उदय में आते हैं तब याद आता है कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था। कई बार लोग कहते हैं इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं मुझे कब की सजा मिल रही है। प्रतिदिन पूजन करता हूं, प्रतिदिन भक्ति करता हूं, मैंने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन ध्यान रखना, कर्म चक्रवर्ती ब्याज के समान है। हमें पता नहीं चलता और हमारे कर्म बंद जाते हैं, और जब उदय में आते हैं तो वह भी कहते हैं कि अब तो मैं मेहमानी करके ही जाऊंगा। जिस प्रकार से मेहमान बिना बुलाए नहीं आते, एक होते हैं मेहमान और एक होते हैं अतिथि। जिसकी कोई तिथि ना हो वह अतिथि कहलाता है, और मेहमान क्या हो गया है? मेहमान की तिथि होती है। मेहमान कितने दिन का अच्छा लगता है, ईमानदारी से बताना कि मेहमान कितने दिन का अच्छा लगता है। और आजकल तो एक रात भी कोई रुक जाए तो सुबह आए, और अब सुबह शाम की भी अच्छा नहीं लगता, आए घंटे दो घंटे में चला जाए तो ठीक है। अतिथि किसे कहा है पता है? जिसकी कोई तिथि ना हो। तो बात कर रहे थे हम मेहमान की, तो कर्म भी क्या कहते हैं कि मैं मेहमान हूं, तुमने मुझे बुलाया है, और बुलाया है तो अब तो मेरी आव भगत होनी चाहिए। बिना आव भगत के मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग भी किसी के यहां पर कोई फंक्शन हो तो बिना बुलाए जाते हो क्या? उसके लिए कहां है कि तीन लोग के नाते तुम्हारा सहारा है।